इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट कोचिंग माफिया। अब बात करते हैं इस ट्रेंड को चलाने वाले लोग हैं कौन। दरअसल में कोई अलग लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो किसानों के खिलाफ भी हैशटैग चला रहे थे, अब ये स्टूडेंट के खिलाफ भी आ गए, उनको कोचिंग देने वालों के खिलाफ भी आ गए। ये लोग, इन लोगों ने छात्रों का गुस्सा तो देखा, मानते हैं कि इतना गुस्सा छात्रों को नहीं दिखाना चाहिए था, रेल में आग नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन छात्रों के ऊपर क्या बीत रही है इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग तो ग्रुप डी का एग्जाम भी पास नहीं कर सकते जो इस तरह से हैशटैग चला रहे हैं। ग्रुप डी की भर्ती 2019 से चल रही है, अब तक फाइनल नहीं हुई। NTPC 2019 से चल रही है, इनके साथ एक और निकली थी ALP की लोको पायलट, वो अब जाकर पूरी हुई, उसको भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है पूरे हुए। इंडियन आर्मी की बात करें तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हुई, जबकि यहाँ के युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज इंडियन आर्मी का है। और जब युवाओं की उम्र निकल जाएगी उन नौकरियों की, तो युवाओं का गुस्सा तो भड़केगा ही, क्योंकि अंत में हर युवा एक न एक दिन मौका देखता है, एक ख्वाब देखता है कि वो एक दिन सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन जब इस तरह से उसके ख्वाब टूटते हैं, उसको मौका तक नहीं मिलता। मौका तो मिले, अरे भाई कोई तैयारी कर रहा है उसको बराबर इम्तिहान देने का मौका मिले, तैयारी करके उसका इम्तिहान लिया जाए, उसके बाद ना हो तो इतना दुख नहीं होता कि चलिए कोशिश की। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, छात्र अपनी उम्र निकलते हुए देख रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं हो रहे, तो छात्रों में गुस्सा तो है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं है, लेकिन इस तरह से छात्रों को भी टीज करना, छात्रों को भी आतंकवादी घोषित कर देना, ये वही लोग हैं जो किसानों को आतंकवादी घोषित करने पे तुले हैं थे, ये बेहद शर्मनाक है। और इस तरह की किसी भी चीज़ों का समर्थन नहीं किया जा सकता, हम छात्रों के द्वारा की गई हिंसा का भी समर्थन नहीं करते, लेकिन जो छात्रों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ हर सूरत में अहिंसक रूप से आवाज़ उठनी ही चाहिए, क्योंकि यकीनन उनके